नेताजी वर्सेस नौकरशाही। जी हां, देहरादून से खबर है। शहरी विकास मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अफसर, नाराज मंत्री मदन कौशिक ने स्थगित कर दी बैठक। मुख्य सचिव समेत कई अफसर बैठक से गायब रहे। कुंभ के कार्यों को लेकर मंत्री जी ने बुलाई थी बैठक, बेलगाम अफसरशाही का इलाज क्या? क्या अफसरों के आगे मंत्रियों की नहीं चलती है? अधिकारियों पर नहीं है सरकार की लगाम? जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे अफसर? सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी जाहिर कर चुके हैं अपनी पीड़ा। कुंभ के कार्यों को लेकर शहरी विकास मंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, लेकिन मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी बैठक से नदारद मिले, जिसके बाद नाराजगी जताते हुए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बैठक को स्थगित कर दिया। अगली बैठक में सभी अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए। मंत्री के अनुसार ऐसी महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों को गंभीरता से आना चाहिए, लेना चाहिए बैठकों को। उनके अनुसार अधिकारी मौजूद नहीं थे, इसलिए बैठक स्थगित कर दी गई। वो तस्वीर क्या थी, कैसे नाराज हुए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, आपको दिखा रहे हैं, देखिए। अधिकारी को नहीं सकते आने का तो क्यों बुलाऊं मैं बैठक? क्या मुझे जरूरी समीक्षा करनी? अधिकारियों को इतनी भी चिंता नहीं कि वो काम कर, उनको जाकर बैठ, कौन से अधिकारी वहां जाकर बैठक बुलाई? सुधांशु जी सारे सचिव, कहां सचिव ऊर्जा, कहां सचिव पेयजल, कहां सचिव सिंचाई, सारे सचिव बुलाए थे आज। आखिर वहां काम क्या हो रहा, वहां देखा नहीं क्या बुरा हाल हो रखा वहां? कौन समीक्षा करेगा जब अपने विभाग की समीक्षा नहीं करते जा? बैठक बुलाने का औचित्य क्या? क्यों एक हफ्ता पहले मैंने एजेंडा जारी करा है, आप को इसे दिन फिक्स करके दोबारा बैठक में? आज बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी, जो कई काम चल रहे हैं इस समय कुंभ की दृष्टि से, जैसा अंडरग्राउंड बिजली का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड गैस का काम चल रहा है, जैसा कुछ और सीवर का काम चल रहा है, जैसा पेयजल के काम चल रहे हैं, जैसे कुछ सिंचाई विभाग के काम चल रहे हैं, कुछ PWD के काम चल रहे हैं, उनकी समीक्षा के लिए बैठक थी। लेकिन संभवतः क्या सूचना नहीं हो पाई, इसलिए जो सचिव थे वो नहीं आ पाए, इसलिए बैठक को स्थगित किया। सौरभ भाटिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सौरभ, आखिर क्या वजह रही महत्वपूर्ण अधिकारी महत्वपूर्ण बैठक में नहीं पहुंचे? बिल्कुल, देखिए एक हफ्ते पहले ही इस बैठक का एजेंडा तय हो गया था, जिसको लेकर अधिकारियों को गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन अधिकारियों की गंभीरता नहीं बल्कि लापरवाही दिखाई दे रही है। लगातार जो है अधिकारी जो है वो सरकार के मंत्रियों की, विधायकों की अनदेखी कर रहे हैं, लगातार आदेशों की अवहेलना होती है। ऐसे में खुद आज जो है मदन कौशिक जो शासकीय प्रवक्ता भी और कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने आज कुंभ को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन तमाम सचिव ऐसे थे जो वहाँ नहीं पहुँचे, जिसके बाद जो है मदन कौशिक का पारा चढ़ा और उन्हें मुख्य सचिव को भी मीटिंग से ही फोन करके जो है खासी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर कोई मीटिंग होती है तो अधिकारी अगर उसमें मौजूद नहीं होंगी तो उन मीटिंगों का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में अधिकारियों के द्वारा अगर सरकार के मंत्रियों की अवहेलना होगी, उनकी अनदेखी होगी, तो कहीं ना कहीं उससे तमाम योजनाएं उस पर भी असर पड़ता है। इससे पहले किच्छा में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था, वहां पर भी जो है एक विधायक की अनदेखी होती है, उसमें जो है अगर कहा जाए तो वो शिकायत विधानसभा अध्यक्ष तक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। आज जो है जब जिस मदन कौशिक ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें जो पेयजल के सचिव हैं, ऊर्जा के सचिव हैं, PWD के सचिव हैं, वो लोग नहीं पहुंचे, वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे उनको जमकर वहीं पे फटकार लगाई कि जब एक हफ्ते पहले इस मीटिंग का एजेंडा तय हो चुका था तो क्या बताई गई? आखिर एक नहीं पहुंचता तो चलो मान लिया जाता, किसी काम में फंस गए, जाम में फंस गए, लेकिन यहां तो बहुतेरे नहीं पहुंचे, कोई वजह बताई जा रही है, कोई स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री पहले ही जो है अधिकारियों को पहले ही नसीहत दे चुके हैं कि वो जनप्रतिनिधियों की बातों की अवहेलना ना करें, जो अगर वो काम कह रहे हैं उस पर जो है विचार किया जाए, उनकी बैठकों में शामिल हुआ जाए, जिससे जो है सरकार की तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंच सके। लेकिन जो है अधिकारी हैं जो मंत्रियों की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी बैठकों में नहीं जा रहे हैं, उनसे जो है परहेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अधिकारी अब सरकार की भी अनदेखी करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लाल फीताशाही है उस
के द्वारा लगातार पहले ही जो है विधायकों की और जो है जनप्रतिनिधियों की तोहिन होती रही है, उसमें तमाम आरोप लगते रहे, लेकिन आज इसका जीता जागता उदाहरण सचिवालय में उस समय दिखाई दिया जब कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक एक मीटिंग लेने पहुंचे। वहां पर महज जो है परिवहन सचिव शैलेश बगोली मौजूद थे, उनके अलावा कोई भी ऐसा जो है अधिकारी मौजूद नहीं था जिसको मीटिंग के लिए कहा गया था। हालांकि अधिकारियों की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन हाँ मुख्य सचिव की तरफ से जरूर यह कहा गया है कि इन सभी लोगों से जो जवाब तलब किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आखिरकार क्यों जो है मीटिंग में नहीं पहुंचे जब एक हफ्ते पहले जो इसका एजेंडा तय हुआ था। पहले जो है अगर बात की जाए पूर्व में तो इस तरीके के आरोप लगते थे, आज इसका जीता जागता उदाहरण भी देखने को मिला जब खुद जो है सरकार के एक कद्दावर मंत्री के बैठक से जो है इन अधिकारियों ने दूरी बनाई। एक बार फिर जो है अधिकारियों की पोल ऐसे में खुलती दिखाई दे रही है जहां मुख्यमंत्री इनको एक पाठ पढ़ा रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की अवहेलना ना की जाए, उनसे जो है संपर्क साधा जाए, संवाद किया जाए, जिससे जो है अधिकारियों और सरकार के बीच में किसी तरीके का मनमुटाव ना और बेहतर तरीके से काम हो सके, लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। आज कुंभ जैसी महत्वपूर्ण बैठक से अधिकारियों की दूरी बनाना खुद जो है दर्शाता है कि अधिकारी कुंभ को लेकर कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं। अगर गंभीरता होती तो शायद जो है वो अधिकारी बैठक में मौजूद है और तमाम चर्चाएं होती, लेकिन अब जो है शासकीय जो प्रवक्ता है जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने ये कहा है कि अगली तारीख जो तय होगी उसमें सभी अधिकारी मौजूद होंगे तभी इस बैठक को किया जाएगा, अन्यथा बैठक नहीं होगी। जी चलिए सौरभ हमारे साथ बने रहिए। पहली मर्तबा नहीं है, यहाँ तो मदन कौशिक बैठक कर रहे थे और उस बैठक में तमाम अधिकारी नहीं पहुंचे, इससे मालूम ये पड़ता है कि जो नौकरशाही की लगाम है वो लगाम कहीं ना कहीं ढीली हो रही है या किसी के पास वो लगाम है ही नहीं।